सब्सक्राइब कीजिए संजय टेक एंड ट्रिक्स और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड ट्रिक्स वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो हाय दोस्तों, तो अभी अभी जस्ट आप देख रहे हैं कि गूगल ने एक नया पेमेंट ऐप लॉन्च किया। तो दोस्तों उस पेमेंट ऐप लॉन्च का नाम है तेज। तो दोस्तों आज इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इस ऐप को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही इजी तरीका इसे यूज़ करने का। तो दोस्तों इसके बहुत फ़ायदे भी है कि आप किसी से भी इसके ज़रिए किसी से भी अपना पैसा लेन देन कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में आपको मैं बता देता हूँ कि इस ऐप के फ़ायदे भी क्या है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं संजय टेक एंड ट्रिक्स और मैं हूँ संजय। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब आपको सिंपल करना क्या है, तो चलिए मैं यहाँ पे प्ले स्टोर पर चले जाना है और दोस्तों यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है तेज। तो दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पे आपको मिल जाएगा तेज न्यू पेमेंट ऐप बाय गूगल। तो दोस्तों इसे यहाँ पे क्लिक करके दोस्तों यहाँ पे इसे डाउनलोड कर लेना है। मैं इसे डाउनलोड करूँगा नहीं, तो आपको इसे फिर सिंपल यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए दोस्तों बैक चले जाते हैं और आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि दोस्तों इसे यूज़ कैसे करना है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे मैंने तेज ऐप डाउनलोड कर लिया, इसे ओपन कर लेना है सिंपल। तो दोस्तों यहाँ पे अब आपको करना क्या है, आपका वो नंबर यहाँ पे आपको टाइप करना है जो आपके बैंक से लिंक हो, जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो। तो दोस्तों यही वो नंबर आपको यहीं पर डालना है और आपको वो नंबर ये जो नंबर यहाँ पर आप टाइप करेंगे वो नंबर आपके इस समय आपके फ़ोन में रहे। चलिए वो यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ये नंबर टाइप कर लिया और सिंपल आपको यहाँ पे एरो में ऊपर आपको एरो दिख जाएगा और आपको सिंपल से वहाँ पे क्लिक कर लेना है। चलिए अलाउ करना है, अलाउ करना है, अलाउ करना है। और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको दिख जाता है कि दोस्तों यहाँ पे आपका अकाउंट पूछेगा और दोस्तों देखिए यहाँ पे आपका ईमेल आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये डाउन एरो दिख रहा है डाउन, तो आपको इसे क्लिक करके दोस्तों यहाँ पे आपके जितने आपके इनबिल्ड आपके यहाँ पे ईमेल आईडी होंगे आपके इस फोन में, तो दोस्तों आप जो ईमेल आईडी पे सिलेक्ट करना चाहते हो तो दोस्तों यहाँ पे सिंपल सिलेक्ट कर लेना है आपको और दोस्तों यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ओटीपी पिन के लिए दोस्तों ये वेट करने के लिए बोल रहा है। तो दोस्तों देखिए आप जो नंबर वहाँ पे आपने पहले टाइप किए तो दोस्तों वहाँ पे एक ओटीपी नंबर आपको मिल जाएगा जो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपने इसी फ़ोन में वो नंबर रखा होगा तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ओटीपी में वो बाय डिफ़ॉल्ट ले लेता है। अगर आप नहीं है तो दोस्तों आपको यहाँ पे ओटीपी पिन टाइप कर लेना है। तो दोस्तों देखिए आप आपको ये करने के बाद आपका इस तरह का एक होम पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पे करना क्या है, देखिए दोस्तों योर सेफ विथ तेज। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए यूज़ योर स्क्रीन लॉक दिया है और आपको एक दिया है क्रिएट गूगल। तो दोस्तों आपको यहाँ पे सिक्योर एक तेज ऐप का एक आपको पिन रखना होगा, जैसे कि आप कभी भी अगर ये ऐप ओपन करते हैं तो दोस्तों आपको ये पिन पूछा गया तो आप स्क्रीन लॉक रखते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पे स्क्रीन लॉक रखना होगा ताकि जैसे अगर आपका फ़ोन किसी के हाथ में लगता तो दोस्तों आपका वो पैसा का लेन देन ना कर सके। तो दोस्तों ये सिक्योर ऐप्स के लिए तो दोस्तों ये रखना पड़ता है आपको ये लॉक। तो दोस्तों आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप क्रिएट गूगल पिन पर आप अपना एक पर्सनल कोई पिन रखिए ताकि आपका कोई स्क्रीन लॉक कैसे भी आपको देखे दोस्तों आपके लिए बहुत नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पे क्रिएट गूगल पिन पर करके आपका एक पर्सनल पिन रख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं सिंपल अभी यहाँ पे स्क्रीन लॉक ले लेता हूँ आपको फॉर एग्जांपल के दिखाने के लिए। तो दोस्तों देखिए अब यहाँ पे मेरा ये ओपन हो चुका है तेज ऐप। तो दोस्तों आपको टैप टैप करके सिंपल यहाँ पे दोस्तों देखिए यहाँ पे अभी ऊपर आपका एक आईडी दिख जाएगा, ईमेल आईडी पूरा, और दोस्तों देखिए यहाँ पे ऐड बैंक अकाउंट दिख जाएगा आपको ऊपर की ओर। दोस्तों यहाँ पे सिंपल आपको क्लिक कर लेना है और दोस्तों देखिए यहाँ पे आपका पूरा बैंक का नेम दिख जाएंगे आपको। तो दोस्तों आपका जो भी यहाँ पे बैंक आपको मिल जाता है तो दोस्तों आपको सिंपल वो सिलेक्ट कर लेना। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं अपना बैंक सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, अलाउ। तो दोस्तों देखिए आपका यहाँ पे भी नंबर पूछ रहा है, अगर आपका जो नंबर यहाँ पे है आपके इस फोन में तो दोस्तों आपका जो नंबर आप यहाँ पे रखना चाहते हो तो दोस्तों यहाँ पे आप अपना नंबर, चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। तो दोस्तों जैसे देखिए मैं यहाँ पे सिम पे जैसे अपने क्लिक करता हूँ तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ये बैंक से कनेक्टेड होने के लिए बोल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे वेट फॉर बैंक टू रिस्पॉन्स, तो दोस्तों ये मेरे बैंक से कनेक्ट होने के लिए तो रिस्पॉन्स मांग रहा है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे अपना एक SMS चार्जेस कट जाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपका सिंपल यहाँ पे SMS चार्ज नॉर्मली यहाँ पे कट ही जाएंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पे सिंपल आपको कुछ करना नहीं, यहाँ पे सिंपल से आपको प्रोसीड पे क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों देखिए जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो दोस्तों देखिए इस तरह का यहाँ पे पेज ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों अब सिंपल आपको यहाँ पे करना क्या है, आपका देखिए यहाँ पे मांग रहे हैं डेबिट ATM कार्ड लास्ट 6 डिजिट। तो दोस्तों आपका जो ATM कार्ड आप जो बैंक यहाँ पे सिलेक्ट किए तो आपको उसी बैंक का देखिए आप ATM के ऊपर एक नंबर दिया होगा तो उसका एक 6 डिजिट का लास्ट नंबर आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है
और उस एटीएम कार्ड का एक्सपायरी डेट यहाँ पे दोस्तों पूछ रहा है, वो इसे टाइप कर लेना है। तो चलिए दोस्तों इसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया है और सिंपल आपको यहाँ पे देखिए ऊपर की ओर पे एक एरो मिल जाएगा दोस्तों, उसे सिंपल वहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे पूछ रहा है आपको क्रिएट योर यूपीआई पिन, तो दोस्तों यहाँ पे क्रिएट यूपीआई पिन पे क्लिक कर लेना है नीचे की ओर पे। तो दोस्तों देखिए जैसे आप यूपीआई पिन कर रहे तो गैदरिंग इन्फॉर्मेशन फॉर यूपीआई पिन पे सर्च होने लगेगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे मेरा एक्सिस बैंक से कनेक्टेड है, तो दोस्तों ये क्यों कनेक्टेड इसे मैं आपको वीडियो पूरा देखते रहे यहाँ पे मैं पूरा जानकारी दे दूंगा आपको। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ये जो इंटर यूटीपीआई पिन आपको दिख रहा है, तो दोस्तों ये आपके जो नंबर से आपने सिलेक्ट किया था उस नंबर पे यूटीपीआई पिन आ जाएगा, तो ओटीपी पिन तो ये बाय डिफॉल्ट ओटीपी पिन ले लेगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ ओटीपी पिन आ चुका है मेरा मेरे बैंक से। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे सेट यूपीआई पिन, तो दोस्तों ये यहाँ पे ध्यान देना। तो दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे वो पिन आपको डालना है ये जो एकदम ये दोस्तों ये बहुत प्राइवेसी रखना है कि आप अगर कभी किसी को पेमेंट करते हैं तो दोस्तों उस समय आपको करते समय सबसे पहले आपको ये पिन यहाँ पे डाल, तो दोस्तों बहुत ही सोच समझ के आपको ये पिन रखना है जो आपको हमेशा याद रहे और ये किसी को दोस्तों एकदम आपको प्राइवेसी रखना है ताकि किसी को पता ना चले। चलिए दोस्तों इसे मैं यहाँ पे टाइप कर ले रहा हूँ अपना एक प्राइवेट नंबर। तो दोस्तों सिंपल आपको यहाँ पे देखिए कंफर्म यूपीआई पिन मिले पूछ लेगा, तो दोस्तों आपने वहाँ पे जो डाला था आपको सिंपल यहीं पे वो टाइप कर लेना है और दोस्तों नीचे यहाँ पे साइन का एरो आपको मिल जाएगा, वहाँ पे सिंपल क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों देखिए ये मेरे बैंक से ऐड हो जाएगा ये मेरा तेज ऐप। तो दोस्तों देखिए यहाँ रजिस्टर विथ यूपीआई, तो दोस्तों देखिए तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे बैंक अकाउंट से कनेक्टेड हो चुका है जो ऐड हो जाते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों देखिए आप जैसे ड्रॉप डाउन के यहाँ करके थोड़ा सा नीचे आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे मैं रिवर्स पे क्लिक कर लेता हूँ, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे कुछ भी मिला नहीं अभी तक अन। तो दोस्तों यहाँ पे आपको अन तब मिलेगा कि आपको यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजेक्शन आपको मिनिमम 50 रुपीज़ का किसी को भी पे करना होगा। तो दोस्तों चलिए यहाँ पे मैं पे कर देता हूँ। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे एक डीपी गेम्स करके यहाँ पे आपको ऊपर दिख जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने किसी का रेफरल लिया हुआ, तो सिंपल आप किसी का रेफरल ले सकते हैं या तो आप इसे ऐप को एक पर्सनल आप खुद डाउनलोड करके या तो किसी जो आपका कोई फ्रेंड अगर तेज ऐप यूज़ करता होगा या नहीं भी करता होगा तो दोस्तों आप उसे ये पहले आपको पेमेंट करना होगा दोस्तों, तभी आपको यहाँ पे 51 रुपीज़ का आपको रिवॉर्ड्स मिल जाता है। तो दोस्तों चलिए यहाँ पे मैं डीपी पे क्लिक करके दोस्तों यहाँ पे इसे पेमेंट कर देता हूँ पहले। तो दोस्तों देखिए जब आप डीपी पे क्लिक कर रहा हूँ तो दोस्तों देखिए यहाँ पे पे का ऑप्शन मिल जाता है, दोस्तों यहाँ पे क्लिक कर लेना आपको। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं पे पे क्लिक करके अपना पेमेंट यहाँ पे मैं कर देता हूँ। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे अभी मैं अपना पेमेंट करने वाला हूँ डीपी मेरे फ्रेंड को। तो दोस्तों आपको यहाँ पे मिनिमम आपको 50 रुपीज़ का अमाउंट आपको स्टार्टिंग में ट्रांजेक्शन करना होता है। तो दोस्तों आप मिनिमम आपको यहाँ पे 50 रुपीज़ ही टाइप कर लेना। तो दोस्तों यहाँ पे चलिए मैं 261 टाइप कर ले रहा हूँ, आपको मिनिमम 50 रुपीज़ का या पे 100 का 200 का जैसा आप चाहे आप वैसा कर सकते हैं, लेकिन आपको 50 रुपया मिनिमम यहाँ पे करना होता है। तो दोस्तों देखिए जैसे आप प्रोसीड टू पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों देखिए यहाँ पे लोकेशन पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पे सिंपल से टर्न ऑन पे क्लिक करना है। ओके तो दोस्तों जैसे आप करेंगे तो देखिए वेटिंग फॉर बैंक आपका ले रहा है। तो जैसे कि दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि देखिए यूपीआई पिन आपको यहाँ पे पूछा, तो दोस्तों यही बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे पिन है आपका जो प्राइवेसी आपको रखना है। तो दोस्तों देखिए आप पेमेंट करने जा रहे हो तो दोस्तों यहाँ पे वो पिन पूछ रहा है। तो दोस्तों चलिए यहाँ पे मैं ये पिन टाइप कर ले रहा हूँ। तो दोस्तों जो आप यहाँ पे पर्सनल पिन आपका रखेंगे तो आपको सिंपल यहाँ पे टाइप कर लेना है और यहाँ पे डाउन एरो पे क्लिक कर लेना साइन के। तो दोस्तों देखिए वेटिंग फॉर बैंक के लिए बोल रहा है, तो दोस्तों ये अपना थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों, लेकिन ये फटाक से लेकिन अभी ये हो जा रहा है। तो दोस्तों देखिए जैसे मैंने कहा था मेरे रिवॉर्ड्स में अभी तक वहाँ पे कुछ अमाउंट आया नहीं। तो दोस्तों देखिए जैसे मैंने यहाँ पे 261 का रिचार्ज किया या तो आप अपना 51 का करते तो दोस्तों यहाँ पे 51 का आपको एक रिचार्ज मिल जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे दो स्क्रैच कार्ड आपको मिल जाएंगे जो आप स्क्रैच करने पे आपको यहाँ पे कुछ भी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कुछ भी अमाउंट दोस्तों लग सकते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ मेरा रिवॉर्ड्स का है यहाँ पे दोस्तों, देखिए जैसे आप 50 का एक ट्रांजेक्शन भी आप करते हो तो दोस्तों यहाँ पे आपको 51 का एक कैशबैक भी मिल जाता। तो सिंपल सा दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पे मैंने 261 का यहाँ पे ट्रांजेक्शन कर लिया इसे और यू अर्न रिवॉर्ड यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ मिल गया। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे रिवॉर्ड्स में जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 51 का यहाँ पे मैसेज भी आ चुका है जो मेरे अकाउंट में क्रेडिट बाय डिफॉल्ट हो चुका है।
तो दोस्तों चलिए देखिए, ऐसे मैं क्लिक करता हूँ मेरे स्क्रैच कार्ड पे, तो देख लेते हैं इसे स्क्रैच करके मुझे कितना अमाउंट लगा है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे मुझे 36 रुपये का और एक वाउचर मिल चुका है। दोस्तों देखिए मेरे अकाउंट में तुरंत ही क्रेडिट हो चुका है 36 का, तभी टोटल यहाँ पे मुझे देखिए 87 रुपीज़ का यहाँ पे टोटल दिखा रहा है, 51 का मेरा कैशबैक और दोस्तों देखिए और 36 रुपये मुझे स्क्रैच कार्ड में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर मुझे मैसेज भी आ चुका है कि 36 रुपये और मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है। तो दोस्तों इसी तरह का आप यहाँ पे रिफरल करके अपना पेमेंट कमा सकते हैं इसी तेज के जरिए। तो दोस्तों गूगल ने यहाँ पे बहुत एक अच्छा ऑफर अपने को, हाँ दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन और मिल जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ये थर्ड वाले ऑप्शन पे, दोस्तों देखिए यहाँ पे लिखा है अवेलेबल ऑन 8 अक्टूबर 7 PM। तो दोस्तों देखिए इसके अंदर आपको एक ऑप्शन, कम से कम दोस्तों इसके अंदर आपको 1,00,000 रुपये तक का अमाउंट निकल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे देख सकते हैं आपको यहाँ पे भी ऐसा ऑप्शन मिल जाएगा। तो और डेट और टाइमिंग, तो दोस्तों उस टाइम पे उस डेट पे अगर आप वहाँ पे स्क्रैच करते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ भी अमाउंट लग सकते हैं, तो आपको एक ऑफर का ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको सिंपल यहाँ पे क्लिक कर लेना। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे इन्वाइट फ्रेंड टू तेज आपको बोल रहा है। तो दोस्तों आप जो इस ऐप का लिंक आप किसी अपने फ्रेंड को भी, दोस्त को, अगर वो इसी तरह का प्रोसीजर अगर उस ऐप में कर लेता तो दोस्तों आप यहाँ पे 51 रुपीज़ का कैशबैक आपको मिल सकता है और आपके फ्रेंड को भी वहाँ पे 51 का कैशबैक मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे फ्रेंड अपने इनवाइट करके आप इस लिंक को जितना पैसा चाहे यहाँ पे अर्न कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे गूगल ने बहुत अच्छा एक ऑप्शन दे दिया और एक अच्छा और दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे आपने। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे जो व्हाइट कलर यहाँ पे सर्कल दिख रहा है, टैप फॉर कैश मोड। तो दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन ये बहुत अच्छा है, यहाँ पे गूगल ने बहुत बहुत अच्छा दिया है कि जैसे आप अगर आपके कोई एक फ्रेंड आप जो इसी करीब में आपके बैठे हुआ है तो दोस्तों आप उसे कितना सिंपल तरीके से कैश तुरंत पे कर सकते हैं। तो दोस्तों सिंपल इसी तरह का, तो सिंपल दोस्तों इसी तरह का यहाँ पे पेज उसके फ़ोन में भी आपके फ्रेंड के जो भी आप जिसको पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते तो उसे कर लेना। तो दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पे आपको ये व्हाइट सर्कल पे डॉट पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे तो दोस्तों देखिए इस तरह का पेज आपको यहाँ पे दिखेगा। तो दोस्तों आपको सिंपल अगर आप पे करें तो आपको इस सर्कल को यहाँ पे ऊपर की तरफ पे किया और क्लिक करना है और आप जिसको भेज रहे सामने वाले के मोबाइल में आपको यहाँ पे उसके फ़ोन में रिसीव करना है। तो दोस्तों ये अपने वॉइस के जरिए यहाँ पे अपना ये रिशो पे का ऑप्शन कर लेगा। अगर आप पे कर रहे हैं तो उसे रिसीव करना होगा, अगर वो आपको पे करा तो आपको यहाँ पे रिसीव करना है। तो दोस्तों बहुत ही ऑप्शन आपको गूगल ने बहुत ही यहाँ पे अच्छा दे दिया। तो दोस्तों इसी तरह से ये ऐप यूज़ करने के लिए बहुत अच्छा दोस्तों। तो आप जैसे ही आपके किसी को रिफ़रल करते हो दोस्तों यहाँ पे आपको कमाने का गूगल ने बहुत अच्छा। तो दोस्तों इसी वीडियो में आपको मैंने बता दिया कि इस ऐप का कैसे आपको यूज़ करना। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में देखने के बाद आपके मन में कुछ ऑप्शन उठे रहेंगे, कुछ सवाल होंगे, तो दोस्तों वो भी मैं आपको थोड़े उसी विषय पर आपको बात करना चाहता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि यहाँ ये पैसा आपके जो है वहाँ पे जनरेट हो रहे तेज ऐप के, तो दोस्तों आपके ये डायरेक्ट अकाउंट में जाएंगे कि आपके वॉलेट में जमा होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे गूगल ने ऐसा कोई वॉलेट का ऑप्शन दिया नहीं है, ये जो पैसे का हम ट्रांजेक्शन करेंगे आपके डायरेक्ट आपके अकाउंट से लेन देन आपके होने वाले। तो दोस्तों यहाँ पे वॉलेट का ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन और दोस्तों आपके मन में ये भी सवाल उठता होगा दूसरा कि जैसे कि आप ये सोच रहे हैं कि ये ऐप सर्टिफाइड है कि नहीं। तो दोस्तों ये बिल्कुल सर्टिफाइड है दोस्तों, ये गूगल का ऐप है, इससे ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक से दोस्तों ये लिंक है। तो दोस्तों यहाँ पे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आप ये बेशक आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तीनों बैंक से लिंक्ड है, तो दोस्तों यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों यहाँ पे कम से कम आपको जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन करना होगा, जो पेमेंट करते हैं, वो मिनिमम दोस्तों 50 रुपीज़ का यहाँ पे ट्रांजेक्शन आपको दिखाना होगा। और दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आप इस पैसे जो आपके यहाँ पे तेज में है तो दोस्तों आप इससे कोई रिचार्ज कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे गूगल ने अभी तो ऐसा यहाँ पे कोई ऑप्शन दिया नहीं है कि आप किसी चीज़ का यहाँ पे रिचार्ज कर सकते हो। तो दोस्तों अब ये तेज नया नया लॉन्च हो गया, तो आई होप कि आपको आगे तक ये तेज जो गूगल ने यहाँ पे लॉन्च किया तो दोस्तों आगे तक यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा आपको। तो दोस्तों अभी तो यहाँ पे फिलहाल ऐसा कोई भी रिचार्ज का ऑप्शन तो यहाँ पे नहीं है। दोस्तों आई होप ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है। तो दोस्तों आपको कोई ऐसी चीज़ है जो इसमें अंदर समझ में नहीं आई इस वीडियो में तो दोस्तों आप कमेंट जरूर कीजिए। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा है, तो प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले। तो दोस्तों आप सभी को और आपके परिवार वालों को दोस्तों हमारे चैनल की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभेच्छा।